तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब, एक अंडर बजट मूवी जिसमें ना कोई बड़ा स्टार है, ना कोई बड़ा डायरेक्टर है, मतलब ऐसा भी कोई बड़ा नाम नहीं है जिसकी वजह से वो मूवी बूस्ट हो जाए। भाई सब कुछ अंडर बजट है, अंडर रेटेड है, उसके बावजूद भी बड़े बड़े स्टार की मूवीज की जो इस टाइम पर क्लैश चल रहा है भाई, उनके साथ उन्होंने रिलीज करने का पहले तो डिसीजन लिया, देन उन्हीं की धज्जियां उड़ाते ये मूवी नजर आ रही। जी मैं बात कर रहा हूँ हनुमान की, जो डे 5 पर आज एंट्री मार चुकी है और कल डे 4 तक जबरदस्त कमाई करी है, आज भी जबरदस्त कमाई करते नजर आ रही है। भाई साहब सामने धनुष की कैप्टन मिलर है जिसका कोई नाम ही नहीं चमक रहा है, सामने मैरी क्रिसमस चल रही है कटरीना कैफ और विजय सेतुपति का कोई अता पता ही नहीं है, सामने महेश बाबू की मूवी गंतूर कारम चल रही है जिसकी स्टार्टिंग के फर्स्ट एंड सेकेंड डेज में अच्छी खासी ग्रोथ थी, इवन संडे में भी उसकी ग्रोथ पिटती नजर आई है, और अभी कल पोंगल था साउथ के लिए, पोंगल था, मकर संक्रांति इधर के लिए चल रहा था, तो भाई साहब फिर भी वहाँ पर अच्छी खासी ग्रोथ गंतूर कारम को नहीं देखने को मिली है। लेकिन भाई स्टेडिली कंटिन्यूसली जो हनुमान की ग्रोथ चल रही है वो डे बाई डे जबरदस्त चल रही है। हॉलीडेज का फायदा जहां उठाना है ये मूवी उठा रही है, आज वर्किंग डे है, वर्किंग डे के मुताबिक जो रेस्पॉन्स ऑक्यूपेंसी हमें देखने को मिल रही है फिर भी जबरदस्त देखने को मिल रही है, तो गंतूर कारम को भाई टक्कर दे रही है। जो महेश बाबू का बोलबाला चलता है भाई पूरे साउथ में, तेलुगु रीजन में खासकर, और कैप्टन मिलर भी तेलुगु से ही है, उसके बाद हनुमान भी तेलुगु रीजन से ही, भाई साहब ओरिजिनल लैंग्वेज में ही हनुमान जबरदस्त टक्कर देते नजर आ रहे हैं, और सुपर हीरो बेस पर मूवी है और हनुमान का कनेक्शन है, तो दैट्स वाई कि नॉर्थ में यानी हिंदी ऑडियंस का भी ये दिल लूटते नजर आ रही है। अगर हिंदी में रिलीज नहीं होती तो कैप्टन मिलर को हिंदी में अच्छा खासा मौका मिल जाता। भाई सलार का कोई अता पता नहीं लग रहा, प्रभास द डायनासोर पूरे खत्म हो चुके हैं, इराडिकेट हो चुके हैं ऐसा लग रहा है, क्योंकि सामने जबरदस्त कलेक्शन ये सारी मूवीज करती नजर आ रही है, उसमें हनुमान भाई फाड़ के जा रहा है। बहुत छोटे से बजट की मूवी है, शुरुआत में 12 करोड़ दिखा रहे थे, अभी 20 करोड़ कई जगह 30 करोड़ भी देखने को मिल रहा था, बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी चल रही है भाई बजट के मामले में। सभी चीजों पर एक एक करके बात करेंगे, उससे पहले क्या करना है, वीडियो एक लाइक न हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं भाई साहब, कल डे 4 की बात करेंगे, पोंगल और संक्रांति का हॉलीडे था, मतलब साउथ के लिए पोंगल हॉलीडे था और संक्रांति मकर संक्रांति नॉर्थ इंडिया के लिए था, जहां पर फाड़ के रेस्पॉन्स आए भाई। ओवरऑल ऑक्यूपेंसी कल की रही है फुल डे की 75-80%, जो गंतूर कारण कैप्टन मिलर दूर दूर तक नहीं थे इस ऑक्यूपेंसी के आसपास, भाई फाड़ के रेस्पॉन्स है। मल्टीपल लैंग्वेज में इस मूवी को रिलीज कराया गया, लगभग 7 से 8, और इंडिया की जो भी मेजर 5 लैंग्वेज हैं उसमें तो ये मूवी को रिलीज कराया गया है, वर्ल्ड वाइड रिलीज कराया गया है, जैपनीज कोरियन इंग्लिश फ्रेंच वगैरह में। भाई कल नेट इंडिया से अर्ली एस्टिमेट आते नजर आ रहा है 14.5 करोड़, ग्रॉस इंडियन कलेक्शन 17.5 करोड़ में ये मूवी एंट्री मार चुकी है, जो भाई धड़ाके से भाई तबाही मचाते नजर आ रही है। तो पहले 4 दिन में टोटल नेट इंडियन कलेक्शन इस मूवी का हो जाता है 55 करोड़ 40 लाख, ग्रॉस इंडियन कलेक्शन 67 करोड़, और टोटल ओवरसीज से 26 करोड़ का ये आंकड़ा अपने खाते में रख लेती है पहले 4 दिन में, और पूरी दुनिया से 75 करोड़ का आंकड़ा अपने खाते में रख लेती है पहले 4 दिन में। इट मीन्स ये कि बजट रिकवरी तो इन्होंने कर ली, और जो ये आंकड़े पे पहुंच चुके हैं यहाँ पर इसे ब्लॉकबस्टर हिट या सुपर डुपर हिट कहने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ईजिली ये टैग इन्होंने हासिल कर लिया है। बात करें आज यानी डे 5 की, भाई आज कैसी ग्रोथ चल रही है, तो आज भी तबाही मचा रही है, आज वर्किंग डे है, बावजूद इसके भाई साहब अच्छी तबाही मचाते नजर आए, क्योंकि सामने क्लैशेस चल रहे हैं, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं भाई 3-4 मूवीज के क्लैश चल रहे हैं एक साथ, बावजूद इसके हनुमान अपना रेस्पॉन्स फाड़ के ले जा रही है, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ जब काम करता है, पब्लिक इज द की, पब्लिक जब डिसाइड करती है तो बड़े बड़े एक्टर आप कोई भी हो भाई कॉन्टेंट को पहले प्रेफरेंस दी जाती है, और यहाँ पर दी जा रही है। आज है भाई ऑक्यूपेंसी 40-42% के आसपास, जो कल की 50% डाउन हो चुकी है, क्योंकि वर्किंग डे है, सभी की ग्रोथ पिटती है, सिर्फ कोई इसके नहीं पिट रही है। नेट इंडिया से अर्ली एस्टिमेट आज के लिए नजर आ रहा है भाई, आज ट्यूजडे वर्किंग डे है, 7 करोड़, और ग्रॉस इंडियन कलेक्शन 8.5 करोड़, और पहले 5 दिन में नेट इंडिया से आज ये मूवी टोटल कलेक्शन अर्ली एस्टिमेट है करते नजर आ रही है लगभग 63 करोड़ भाई, सिर्फ नेट इंडिया से ही फाड़ के भाई, तेलुगु और हिंदी से जहां मेजर रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, और ग्रॉस इंडियन कलेक्शन हो जाएगा आज इसका एंड ऑफ द डे तक 75 करोड़, पूरी दुनिया से 84 करोड़ का ह्यूज एंड मार्वलस आंकड़ा अपने खाते में रखते नजर आएगी। कह सकते हैं कि बिल्कुल कह सकते हैं किसी के बाप का कर्जा नहीं खा रखा है, ह्यूज एंड मार्वलस आंकड़ा इसके खाते में आ चुका है, क्योंकि बहुत छोटे बजट की मूवी है, कोई भी इसमें बड़ा स्टार नहीं है, कोई बड़ा डायरेक्टर नहीं है, बावजूद इसके भाई बड़े बड़े मूवीज को इतना कि सिर्फ टक्कर दे रही है, पेलते नजर आ रही है।
तो ये मूवी कितना कलेक्शन कर लेगी भाई, 150 करोड़, 200 करोड़ लाइफ टाइम कलेक्शन? क्या कांतारा वाला हिसाब देखने को मिलेगा, जो मूवी 15 से 16 करोड़ के बजट में बनाई गई थी और लगभग में लगभग 400 करोड़ का ह्यूज एंड मार्वलस आंकड़ा अपने खाते में रखा था? अगर ऐसा हो जाएगा तो भाई मजा आ जाएगा। आप लोग क्या चाहते हैं कि ऐसा हो या फिर ना हो, कितना कलेक्शन ये मूवी कर लेगी, जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दिया। मिलते अगली वीडियो में, चाहिए।